पकल मीठ, बुढ़िया पकल तीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़4Nation और मैं हूं प्रियदर्शन। मोकामा उपचुनाव में आज मतदान हो रहा है और इस समय हम जहां हैं यह है शिवनार यानी पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह का गांव। वही कार्तिक सिंह जो अनंत सिंह के बेहद खासमखास हैं और अनंत सिंह के खासमखास पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह, MLC कार्तिक सिंह के गाँव में आज मतदाताओं में क्या उत्साह है, हम ये आपको दिखा रहे हैं कार्तिक सिंह के गाँव शिवनार से, उनके बूथ से। आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे एक बूढ़ी मतदाता हैं। वो बूढ़ी मतदाता यहाँ पे मतदान करने के लिए आई हुई हैं। वो उनके ये जो कहते हैं कि लोकतंत्र का महापर्व है, इस लोकतंत्र के महापर्व में दादी मतदान करने आई हैं। अब देखिए, हम वोट डाल लेलखिन, वोट डाललखिन, कुछ वोट डाल लो, वोट हाँ अखनी आजा टिप्पा डाल लो ना। हाँ, की नाम है इनकर? हमार नाम है दयावती, हमार नाम है धनवंती देवी। को साल उम्र हो? उम्र को साल हो? अब ओते हमरा है हाँ नहीं याद हो। आम पकल मीठ, बुढ़िया पकल तीत। आम पकल मीठ, बुढ़िया पकल तीत। अच्छा, देखिए ये बूढ़ी दादी हैं जो मतदान की हैं। मतदान करने के बाद वो यहाँ से जा रही हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि यह शिवनार गांव है। शिवनार गांव का यह वो बूथ है जहाँ पे राज्य के जो MLC हैं, पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह हैं, उनका यह बूथ है, उनका यह गाँव है। तो ऐसे में कार्तिक सिंह की प्रतिष्ठा भी इस चुनाव में दाव पर लगी हुई है। इस चुनाव का जो पूरा का पूरा राजद प्रत्याशी नीलम देवी हैं, उनके चुनावी अभियान की एक प्रकार से कमान खुद कार्तिक सिंह ने कमाल रखी थी और ये उन्हीं का गांव है। उसकी उनके गांव में इस बार क्या होता है, आप ये देखिए। यहाँ देखिए कई जो हैं युवा मतदाता, यहाँ कई जो हैं महिला मतदाता, बुजुर्ग मतदाता, वो सब यहाँ पे मतदान करने के लिए आए हुए हैं। देखिए यहाँ पे एक युवा है। हम यह मतदान करोगे? हाँ भैया, पहली बार मतदान कर रहे हो? हाँ। ये देखिए युवा पहली बार मतदान कर रहा है, पहली बार वोट डाल रहे हैं। हाँ। तो पहली बार वोट डालते समय क्या खूब उत्साह है ना? उत्साह है। हाँ। मतदाताओं का ये वही उत्साह है कि यहाँ पे हर उम्र के जो आयु वर्ग के मतदाता हैं, चाहे वो महिला हों पुरुष हों, वो तमाम मतदाता इसी शिवनार के बूथ पे वोट डालने के लिए आए हुए हैं। न केवल पहली बार के मतदाता जबकि कई बुजुर्ग महिलाएँ हैं जैसे जो शारीरिक अक्षमताओं के शिकार हैं, किन्हीं को चलने में परेशानी है, किन्हीं को सुनने में परेशानी है। लेकिन लोकतंत्र के महाउत्सव मतदान में आज मतदान करने के लिए हर लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि यह गांव शिवनार पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह का गांव है। कार्तिक सिंह इस बार के जो नीतीश सरकार का मंत्रिमंडल बना था उसमें उन्हें कानून मंत्री का पदभार मिला था, लेकिन बाद में कुछ कानूनी विवादों में फंसने के कारण ही उन्हें अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। तो अब ऐसे में यह जो उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव में अनंत सिंह के जो पत्नी नीलम देवी हैं, उनके चुनावी अभियान को एक प्रकार से थामे हुए कार्तिक सिंह से थे। तो अब 6 नवंबर को जब उपचुनाव का परिणाम आएगा तो उस उपचुनाव के परिणाम में क्या परिणाम आता है, इसमें कार्तिक सिंह की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। कार्तिक सिंह के गांव में कार्तिक सिंह का कितना असर रहता है, किस प्रकार से उनके गांव में जो यहाँ पे अलग अलग इनके पंचायत जो है शिवनार पंचायत की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ की मुखिया भी उनकी ही पत्नी है। तो ऐसे में इस पंचायत में कार्तिक सिंह क्या करते हैं, क्या लालटेन यहाँ जलेगा या फिर यहाँ पे कमल की बाजी मारेगी, ये देखना होगा 6 नवंबर को। आप इस समय हमारे साथ जैसे देख रहे हैं कार्तिक सिंह के उसी बूथ का हाल। और न्यूज़4Nation आपको मोकामा विधानसभा के पल पल के अपडेट्स के लिए अपने साथ हमारे साथ जुड़े रहिए।